चक्रवर्ती की ड्रग स्टोरी में बड़ा खुलासा। रिया चक्रवर्ती की ड्रग स्टोरी में सारा अली खान का नाम भी शामिल। और कौन सी सेलिब्रिटीज हैं रिया चक्रवर्ती की ड्रग गैंग का हिस्सा? रिया चक्रवर्ती की ड्रग स्टोरी में सारा अली खान के अलावा चार और नाम हैं, जिनका नाम रिया ने ड्रग्स कनेक्शन से खुद जोड़ा है। रिया ने इन चार लोगों के नाम भी एनसीबी को बताए हैं। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी इन पांच लोगों पर जल्द कार्रवाई करने की तैयारी में है। रिया चक्रवर्ती ने अपनी ड्रग्स टीम में जो दूसरे प्लेयर का नाम लिया है वो है अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह। रकुल का ड्रग्स करियर भले ही 2019 में शुरू हुआ हो, लेकिन फिल्मी करियर 2009 में ही शुरू हो गया था। रकुल प्रीत सिंह दिल्ली की रहने वाली हैं, नेशनल लेवल गोल्फ खेल चुकी हैं, लेकिन अब उनका खेल बदल चुका है। रकुल प्रीत अब रिया चक्रवर्ती की टीम में ड्रग्स का खेल खेल रही हैं। इस ड्रग स्टोरी में अगला किरदार है सिमोन खंबाटा। सिमोन खंबाटा पेशे से डिजाइनर है। वो रिया चक्रवर्ती की करीबी दोस्त हैं और रिया के ड्रग्स गेम में उनकी पार्टनर भी हैं। सिमोन रिया चक्रवर्ती के साथ साथ बॉलीवुड के कई दूसरे स्टार से बेहद करीब हैं। लेकिन उनकी दोस्त रिया ने एनसीबी को दिए बयान में सिमोन को ड्रग्स के दलदल में खींच लिया है। किरदार नंबर चार, रोहिणी अय्यर। रोहिणी अय्यर खुद को सुशांत का दोस्त बताती हैं, लेकिन रिया चक्रवर्ती बताती हैं कि रोहिणी अय्यर के हाथ ड्रग्स के खेल में उलझे हुए हैं। एनसीबी रिया के बयान के मुताबिक जल्द ही रोहिणी को पूछताछ के लिए तलब कर सकती है। रोहिणी पेशे से एक फिल्म जर्नलिस्ट हैं और बॉलीवुड पब्लिसिस्ट हैं। रिया की ड्रग स्टोरी का किरदार नंबर पाँच, मुकेश छाबड़ा। कास्टिंग डायरेक्टर, एक्टर डायरेक्टर, स्क्रीन प्ले राइटर और अब रिया की ड्रग स्टोरी के किरदार। सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा के डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ही हैं, लेकिन रिया के मुताबिक उनके ड्रग्स के खेल में मुकेश उनके साथी हैं। ये वो पांच नाम हैं जो दावा तो ये करते हैं कि सुशांत राजपूत उनके बेस्ट फ्रेंड थे, लेकिन उसी बेस्ट फ्रेंड को इन सभी ने मिलकर ड्रग्स के दलदल में डुबा दिया।